Good evening, all of you. Good evening, all of you. My name is Priti Sudha Samal from DPS Chenkanal. Today we are going to tell storytelling, but now in this session, we and my friend and me, Anandita Pani. Good evening, everyone. कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, सोच मत साकार कर, अपने कामों से प्यार कर, अर्जुन की तरह निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख. वेलकम यू ऑल टू आवर डीपीएस ढेंकनाल वेबसाइट एंड आई होप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ब्यूटिफुल स्टोरी टेलिंग सेशन. Exactly. Okay. Tell me, are you safe at your home? Yes, I'm sure you're safe. No, Anandita. We are safe. We are means we the people. Now we are stay at home, and our children are also at home. Maybe they are getting bored. So what to do? Yes, ma'am. They are, but still they are enjoying. Yes. Yeah. They are enjoying. I know that. Now most of the students or the children, they playing, they don't want to study. Yes, all the parents complaining us. Yes, ma'am. They don't want to come to Zoom class also. Yes, but after that they are saying that ma'am, we are not able to connecting, able to do, but you tell us some another activities like storytelling, dance, music. They are interestedly waiting for that. Now our session was at the morning. Was Swami sir has shown us some beautiful drawing. Maybe they hope they are liking that. So children, what to do? Now we are sitting here for what? Yes, storytelling. Yeah. Session. Yes. So. आपको स्टोरीज पसंद होगी है ना. इन छुट्टियों में आपने बहुत एंजॉय किया होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटिव्स के घर में, और इवन बहुत सारे स्टोरीज भी सुने होंगे, है ना. हम लोग भी वही करने वाले हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीका. आप स्टोरी में कैरेक्टर में घुसेंगे, ऐसा हम आपको दिखाना चाहते हैं. सिर्फ आपको सुनना ही नहीं है, देखना भी है. स्टोरी क्या है आज हम बताएंगे कि स्टोरी क्या है. स्टोरी मतलब तो दादा दादी पहले आ जाते हैं, क्योंकि उन लोग ही तो स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को. लेकिन आजकल बहुत सारी स्टोरियाँ होता है, क्यों सबकी कहानी एक एक कहानी होते हैं, सबकी कुछ कुछ अलग अलग मतलब कि जैसे कि कुछ कहानी बना देते हैं हम. कहानी ना होते हुए भी हम बना देते हैं अपने आप. क्यों ये कहानी हम बना देते हैं? कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब आनंदिता कहानी मतलब कुछ ऐसा चीज जो हमें सुनने में अच्छा लगे. कहानी मतलब हम कहते हैं और कोई सुनने कोई सुनता है, सामने वाला कोई सुनता है. लेकिन ये सुनने में ही हम क्या करते हैं, सुनके तो ऐसा रख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको कुछ काम में लगाएंगे तभी जाके स्टोरियों का मतलब आता है. यस तो हम भी कुछ कुछ सुने हैं दादा दादी से, हम भी कुछ कुछ अपने टीचर से सुने हैं. लेकिन कितने हम काम किए हैं उस पर, आज हम देखेंगे, जानेंगे और उसका मतलब समझेंगे. फिर उसको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में मतलब कि उसको इस्तेमाल करेंगे, आगे जाने के लिए मदद करेंगे, अच्छे इंसान बनने के लिए मदद उसको कैसे हम करते हैं, आज हम मैं और आनंदिता मैम आज आपको दिखाएंगे. उसी से आपको क्या समझ में आती है आज हम जानेंगे आपसे. ठीक है आनंदिता, आप जाओ. ओके, स्टोरी क्या होती है? स्टोरी नाम सुनते ही हम दादा दादी और नाना नानी इसी का ख्याल आ जाता है. लेकिन स्टोरी बच्चे जो सुनते हैं उनके मन में कुछ जागता है कि स्टोरी क्या है. उन लोग बहुत अच्छे तरह मतलब कि आगे उनको क्या चाहिए वो नहीं जानते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि उसके बाद क्या होगा. लेकिन ये स्टोरी नहीं होती है. लेकिन फिलहाल इस लाइफ में आजकल जो स्थिति है, स्टोरी मतलब बहुत कुछ होता है. किसी का दुख भरा स्टोरी होता है, किसी का सुख भरा स्टोरी होता है, कुछ कुछ
ऐसा भी होता है वो हमें चेंजेस ला देता है। क्या चेंजेस ला देता है? कि हम कुछ बदलाव अपने में ला सकते हैं और कुछ सीख दे सकते हैं। ये होता है स्टोरी। कैसे करते हैं आज हमें आनंदिता मैम और मैं आपको दिखाऊंगी। तो आनंदिता मैम आप रेडी हो जी? यस मैम। आइए मैम आइए। हाँ आपको हमें बता आप मैं आपको आज बताऊंगी कैसे एक इंसान के किसान के चार बेटे हैं और वो चार बेटे क्या किए हैं। आपस में हमेशा लड़ते थे लेकिन उनके मन में एकता जैसे भाव की कोई कामना नहीं थी। हमेशा उन लोग कुछ ना कुछ बातों में लड़ते थे झगड़ते थे। लेकिन इसके बाद से किसान बहुत परेशान हो चुका था। वो ये अपने बेटे के लिए को सीख देने के लिए आज एक कहानी हमने दिखाए है। तो ये काम है मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ वंस अपन ए टाइम ए फार्मर वाज देयर हू हैड फोर सन्स। देखिए हमारे फादर मैम आगे और क्या दामो श्यामो कामो रामू मेरे चार बच्चे। They always quarrel with one another, means fighting. तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, बहुत गंदे हो। मैं पापा को कंप्लेन कर दूंगी। जब आप हमेशा मेरा चीज लेते हो, मेरे खिलौने से खेलते हो, मैं आपसे बात नहीं करती। जाइए जाइए। झगड़ते थे। आप भी बुरे, आप भी बुरे। बस इतना ही झगड़ना है। Next, this made the farmer unhappy. मतलब कि वो बहुत सोचता था कि क्या करें उनके बेटे में कैसे उन्हें इतना भाव लाए ताकि उन लोग ना झगड़े। क्या करे क्या करे वो सोचता ही रहता रह गया है। One day, he called all the four sons. रामू श्यामू दामू कामू इधर आओ कम आओ। आगे चार बच्चे उनको बुलाए उन लोग। तो चार बच्चे क्या हुआ उन लोग आ गए। तो पापा अभी कुछ बताएंगे आप लोग को। पापा क्यों बुलाते हैं? कुछ काम करने के लिए बुलाते होंगे ना, तो कुछ दिखाने के लिए कुछ समझाने के लिए। तो पापा आप लोग जब झगड़ते हो तो पापा आप लोग क्या बताएंगे? ऐसे कुछ बोलेंगे कि बच्चे आप कुछ ना करो तब भी क्या हुआ? क्यों हमेशा लड़ते हो? व्हाई आर क्वारलिंग ईच अदर? हां ओके आई विल गिव यू सम वर्क यू विल डू ओके Yes? Okay. किसान ने फिर उनको एक सबक सिखाने के लिए एक एक कुछ सामान दिए हैं। सामान दिए मतलब क्या सामान दिए होंगे आप लोग गेस किए हैं बच्चों? नहीं ना। हाँ ओके सामू टेक दिस स्टिक। क्या लकड़ी पकड़ो और ट्राई टू ब्रो तोड़ो से। उन लोग को बोला है कि आप एक एक लकड़ी लो और उनको तोड़ो। आप लोग लकड़ी एक एक लकड़ी तोड़ सकते हो ना? लीजिए पापा मैं अभी तोड़ के दिखाता हूँ। तोड़ दिया। वेरी गुड नाउ यू गो। फिर दूसरे बेटे की बारी आई। कम ये लो तोड़ के दिखाओ। ओके पापा मैं तोड़ता हूँ। वेरी गुड हम लोग एक ही चीज अगर लेते हैं हाथ में तो उसको आसानी से हम लोग तोड़ देते हैं। फिर देखो अभी क्या हुआ चार बेटे हैं ना तोड़ो इसे। यस वेरी गुड इसे तोड़ दिया और एक बच्चे ने तुम भी ये भी टूट गया पापा। इसी के हिसाब से वन बाई वन दे ट्राई ईच वन कुड ब्रेक ऑल द स्टिक्स इजीली। सो नेक्स्ट नाउ द फार्मर टाइड अप ए बंडल ऑफ स्टिक्स टुगेदर। बंडल मतलब एक बंडल लेके आ गए पापा हमारे। अभी देखो मजा आएगा। एक बंडल आप लोग एक एक स्टिक्स तोड़ पाते हो लेकिन ये बंडल को आप कैसे तोड़ोगे अभी देखो। तोड़ के दिखाओ। कम यार जल्दी कराओ। जी पापा आ रहा हूँ। बोलिए जल्दी से इस बंडल स्टिक को आप तोड़ के दिखाओ तो मैं मानूं किस पे ज्यादा दम है। ठीक है पापा मैं करता हूँ। ओ, ओ, ओ,
करके दिखाओ। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इसे तोड़ सकते हो। नाउ ब्रोक इट। हाँ बाबा, ये तो मेरे लेफ्ट हैंड का कमाल है, अभी दिखाता हूँ। जय बजरंग बली। देखो भगवान, आज के भगवान मेरे सामने देना चाहते हैं। ओह, मेरी तो बेइज्जती हो गई। ओहो पापा, ये क्या कर दिया आपने? मैं तो आपका प्यारा बच्चा हूँ ना। ओहो ट्राई करो। नहीं कर सकता मैं। ओके फिर से, अभी क्या करें? कामो चलो आप, तुम तैयार करो। हाँ बाबा मैं करता हूँ। मैं अपने पैरों का थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूँ। क्यों, ये क्या है, ये क्या ले लिया आपने? मैं नहीं कर सकता। चलो तोड़ो इसे। ये तो मेरे राइट हैंड का कमाल है, अभी के अभी एक हाथ से तोड़ दूंगा। अरे अभी तो हम तोड़ने की कोशिश किया था। ओहो चलो दोनों हाथ ही यूज कर लेता हूँ। अरे यार ये तो बहुत भारी है, तो तोड़ नहीं सकते। ओहो ये क्या दे रहे हो पापा, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। सी अभी हम लोग क्या देखे इस पे। Each of the sons tried and tried, but the bundle of sticks could not snap. So what children, what you learn this story? Do you understand what this means? No, na? It means that if you remain united like this bundle of sticks, no one can harm you. So live together happily. So what is the moral of the story you have learned from this story? Agar aap log saath rahoge, unity is friend. Yes. अगर आप साथ रहोगे तो इसी लकड़ी की तरह, इस बंडल, ये लकड़ियों के जो ढांचे हैं उसको आप नहीं तोड़ पाए क्योंकि आप एक साथ थे। वैसे अगर आप हमेशा एक साथ रहोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई चीज, कोई ताकत आपको नहीं हरा सकता। जैसे कि हम बोलते हैं, when there is unity there is always victory and unity is strength, when there is teamwork and collaboration wonderful things can be achieved. तो आपको समझ में आया ये स्टोरी क्या है? ओके ये तो गई हिंदी और इंग्लिश की बारी, अभी मैं आपको उड़िया में समझती हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि जब स्टोरी की बात आती है, कहानी कहीं की, एक ही बहुत जेजे बापा जेजे माँ अच्छा आई समस्ते इनवल्व अच्छा स्टोरी सुने बारे, स्टोरी सुने बारे कहीं एवं आम टाइमटा सेव भले, कहीं आम घर सब बड़े रही पारू घरे रोचु, किंतु आम लिजर टाइम जो राति क्या पाखे बस आम इनवल्व होचु दादा दादी पाखे अजाई पाखे आगुरी भी आम कहूँ एवं कहूँ कि स्टोरी आमको कहानी गोटे शुणा दरकार आजिका जमानार कहीं बहुत जो नेट आम भिडियो गेम रो प्रचलन चली से कहानी पूरा विलुप्त होगा बसी आजिकल कि अजा आई दाई माँ गप शुणु ना राजा राजे राणी शुणु ना कहानी राजकुमार राजकुमारी गप शुणु ना आगुरी आमको से मैंने जोटा कि आमको प्रोत्साहन मिलूला अजा आई को प्रेरणा आम पाल कि हाँ एमती कि गोटे जिनस अच्छी कहीं बहुत एक्सपीरियन्सड से आमठ बहुत अभिज्ञतार आगक अच्छा आम तो ये छोट पा कि जानू किंतु एबे तार कथा देखा गले संपूर्ण अलग हो जाए पूर्व जमाना ठू आज को आम देखा चाहूँ जोद्वारा कि आम घरे पूरा बंद प्राए आउ ना से कहानी रो मजा अच्छी ना से अजा आई ठारे मजा अच्छे किसी ना कहीं आम आजिकल कथा होने कहा सांगे आम गोटे मोबाइल धरले गोटे लैपटॉप धरले आम से आम टाइम पास हो मोबाइल लैपटॉप सबकि ओनली सेटा ता भितर अच्छी आम सर्च करी बाहर करूचु किंतु जो मनर जो भावना मनर जो अभिज्ञता मनर जो छुईला भाया परिवर्तन कला भाया कहीं आम एत बिजी अच्छु आजिकल कि आम चेंज होगा चाहूनु किंतु से चेंजटा क्या द्वारा आमको बड़ लोक प्रेरणा मिले जे आम टे परनशील होगा कहीं बिना परन कौन सी जिनस संभव नुह परनटा कौन कहीं आम चेंज हवा कहीं बिना परिवर्तन रे आमको कौन सी जिनस पॉसिबिलिटी नजर आसुनी आम जेपर्यंत निजुको निजे चेंज न करिचे जेपर्यंत निजुको आम परिवर्तन न करिचे तो आम कौन करिबा कहीं केही आमको चेंज करिबेनी केही आम प्रति आम जो जिनस चाहूचे
केमिति आमे करिबु ताकु जेपर्यंत आमे निजे न चाहिचे आमको किए कहीदेले आमको किए करिदेले आमे ताकु ग्रहण करिपारुने किंतु जेपर्यंत आमे निजे से जिनस को ट्राए न करिचे जेमती कि स्कूल रे आमे किए आमको टीचर पढ़ाउछंती आमे पढ़िबा दरकार आमे पढ़िले आमे जेतिकी पढ़िबा आमे सेतिकी आगुकु जिबा आमे जदि न पढ़िबा टीचर पढ़ाइदेले तापरे तुम्हें मैंने आसिले बही खाता बंद करके घरे बसीगला किंतु जो जिनसटा पढ़ेले ताकु सेटा कौन करा जिबो आमे प्रैक्टिस करिबा सो आमको चेंज हेबाकु पड़िबो आजिका दुनिया रे ए जो दुनिया चालीछि एबे जे घरे रहंतु सुरक्षित रहंतु सुस्थ रहंतु कौन पई कुहा होछि कहीं बाहर दुनिया सहित बाहर दुनिया एबे अलग हो जाइछि माने साधारण दुनिया सहित नाही जोटा जिनस आगुरु थिला तो एबे आमको कौन करिबाकु पड़िबो एबे आपण माने भल भाव जानी पारुछंती कौन पई एटा हेइछि कहीं आम आगर बाहर को मन इच्छा खोला खोली बुलवाक जाऊ कि बुलाबूली से कौन थी टाइम वेस्ट होता आमर एवं आम घरे रोचु किसी असुविधा हो कहीं आम पेरेन्ट्स सहित टाइम पाच समय बीतवाक जो जिनसा आम करूँ से आम आराम से करूँ कि हाँ पाने तुम्हें टी अलग हो जा घरे रही कहीं तुम सांग सहित तुम्हें आसिक तुम्हें सेयर करू सब जिनस तुमर माइंड डेवलप होता तुम्हें जहाँ कि लाइव देखुल टीचर पढ़ाऊँ आम से हाथ में नोट डाउन करूल किंतु एटा कौन हो जिनसटा हो पार नवा द्वारा तुम्हें विचलित हो गल कहीं पचारि चलीछ कि आम ऑनलाइन रे क्लास नेला बेले भी तुमर गोटे क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन मैम स्कूल कब खुलेगा जोटा कि आम भी कही पारुनु कि स्कूल कब खुलेगा सतरे तुम मानक देखिले भी आमको भी दुख लगुच कि आम भी तुम्हें पहुँची पारू कि तुम वॉयस मानते आम आवाजा तुम पाखे पहुँची पार्टी दिने दिने जो नेट कनेक्शन एत प्रॉब्लम हो जाए आम तुमको देखिपारू कि तुम वॉयस जो अच्छी तुम जो स्वरटा आम बारी पार कि हाँ से आम पचारि चलु तुम ना कह तापर आम कहू कि कौन है कौन ना कि तुम्हें जो विचलित हो जाओ से गुड़ा आम भी देखिपारू कि कौन कर पिस्थित सहित आमको भी सामना करवाक पड़ो हाँ ना आनंदिता मैम तो कौन करा गोटे मेसेज दबा आम पानू जोद्वारा कि आउटे डेवलप हूँ निजुक निजे मो कह कथा जिते पार्छ बहीपत पढ़ापढ़ी कर से मोबाइल टू टे दूर रुह कहीं तुम्हें मैंने छोट पा एत मोबाइल देखु तुम आईसाइट प्रॉब्लम भी आसी जा सो से न देखिकी बहीपत पढ़ापढ़ी कर टीचर मैंने जहाँ तुमको सेयर करा तुमने अभ्यास कर आउ जदि भी न बुझी पार्छ पर्सनाली टीचर मानक फोन कर राति हो कि जोतेल हो आम तुम्हें सब बेले अच्छू कहीं गोटे टाइम तुम सहित पूरा बिजी रही थी एबे आम तुमको भी न पाई आम भी बहुत वरीड हो बहुत कितना सुना है आपके बिना समस्त आम समस्ते पूरा आज गोटे जमी डम हो जाए पूरा मुक्त पलटि जाए जे कौन कराब सो माइंड योर चिल्ड्रेन ओरिड हवा दरकार ना तुम मानक आम सागर आम सब अच्छु तुम मैंने किसी ना निजुक निजे टे चेज कर आप मध्यम हो कि बहीपत पढ़ापढ़ी मध्यम हो सार जमती देखले आमर ड्रईंग मध्यम हो डांस मैम आम देखले डांस मध्यम हो कि आम म्यूजिक सार देख सारे ना आम सस्मिता मैम योगा मध्यम तुमको आम जेकोसी पार चेस्टा करने पूरा चेष्टित जे तुम मानक आम कमी पहुँचे पारू तुम जो भावना गुड़िक सब दबिकी रही बुझिपारे ना छुआ मैंने सतरे आनंदिता आम कौन रेडी करवा जद्वारा कि से मन खुशी करें कि जा हो मैडम स्टोरी टेलिंग ये आज आम आमर भी कि गोटे मन अच्छे आम भी आम निज मन कथा कही तो हुए नहीं किंतु यही सब जिन देखला पा सहित बहुत इच्छा हुए कि खोलिकी कहीदबा को कौन कहू कि भाषा भी आम भी पाने जो कौन कहू कौन करिबा एबे तांको पई आमे कौन रखिबा गोटे गीत माध्यम रे हो गोटे लेट्स हैव अ पोएम गोटे पोएम आमे रेडी करिछु आनंदिता मैम रो मोरो कि केमिति लागिला तमुकु जोटा कि आज मु तमुकु कहिली जो यूनिटी स्ट्रेंथ माने एकता रो ही बल समस्तको पई एकता रो ही बल कौन पई छोटो टू बड़ नै आमे जदि यूनिटी न रहिबा घरे जदि एक संगे रे न रहिबा तो कौन हबो से घर घर ही रहिबोनी से दरकार यूनिटी स्ट्रेंथ सब जिन आमको मिसिक मुकबिला पड़ो सामना करने को पड़ो आ गोटे कथ डर पे
जे मैम गाली देवे केबे भी को मैम कहाको गाली दियंते नी मैम सबुबेले चाहंती कि गोटे पिलार भलो हो तो आज आम तुम मानक गोटे पोएम मध्यम गोटे जिनस देखू मु आउ अनंगिता मैम आपको सुनाऊ हाथ की पांच उंगलियां आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं आपको पता है ना एक हैंड में फाइव दूसरे हैंड में फाइव सो टोटल 10 फिंगर्स वी हैव यस सो हाथ की पांच उंगलियां पांच अलग अलग नजर हटाकर देखो तो सब है अगल बगल एक अकेला कुछ नहीं कर पाता पांचों मिलकर धूम मचाते जब इनकी मुट्ठी बन जाती दुश्मनों की छुट्टी हो जाती मित्रों के संग मिलजुल कर टाटा बाय बाय इन्हीं उंगलियों से कर पाते एक फूल हो तो इसका कोई मोल नहीं धागों में पिरो दिया जाए तो बन जाए अनमोल यही सी दिस मैंने और मैम ने आपके लिए ये बनाया है यू ऑल आर मिसिंग अनमोल मैम सो दिस इज द पोएम फॉर अनमोल मैम स्पेशली मैम फॉर यू दिस वन इज फॉर यू मैम Every man, Anmol man is especially because tanko na ithi ochi. Yeah. In this poem, she is there in our heart. Everywhere she is there because we are from same group. Yes. Okay. So hope you like it. Clap to ourselves. Clap to samane karuthibe. Okay then. Stay tuned, like and subscribe our our site. Achha. Share it. Thank you so much for joining us. Kirodra, over to you. Okay, Kirodra ma'am. Thank you, Priti Sudha ma'am and Anandita ma'am for joining us. And thank you all parents and dear campers for joining us. At last, I want to end this session with a quote of Albert Einstein that, Dear parents, if you want to see your child to be smart, tell them stories every day. But if you want your child to be brilliant, tell them more and more stories every day. So with this, thank you.